ऊपर से भी बन रही ना हमारी वो वीडियो ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद अभी जब यहाँ से जाओगे आप लोगों को रिफ्रेशमेंट वगैरह दिया जाएगा, सब लोगों को भूख लगेगी, मेरे को पता है पानी वानी की होगी तो ये गाड़ी शाम को जल्दी पानी मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइज अभी अभी मुझे कूड़ा मिल चुका है, बहुत यहाँ पे कूड़ा हो रहा है, पर सबसे बड़ा कूड़ा ये जो है इसको इस बैग के अंदर हमें डालना पड़ेगा क्योंकि ये दुनिया के लिए सबसे डेंजरस और बड़ा कूड़ा है। दादी इसमें अपना मुंह शक्ल तो दिखा दे अपनी कूड़े वाली, दिखा दिखा दिखा, ये तिवारी ये देखो ये नेहा ने अपना इंतजाम यहाँ करके लाई है और छुपा रखे कूड़े के बैग में ताकि कोई इसे पकड़ ना ले। इनके बैग में क्या कूड़ा है ये ये भी गिलास लेके आए हैं पूरे इंतजाम के। अरे वेट ये भी मैंने डाला है, ये भी मैं वो कितना गंदा कूड़ा है गाइस। बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर हैं ये दोनों। तो गाइस हमने अब कूड़ा उठा लिया है और हम यहाँ पर आए हैं, ये जो भी जगह है मुझे नाम नहीं पता है, और अब हमें फ्रेश रिफ्रेशमेंट मिलेगा, हम वो खाएंगे और फिर इसके बाद हम लगाने वाले हैं पेड़। हाँ ऐसा ही है। प्रदीप जी, वो ग्रीन संस्था के वॉलंटियर्स, उनके अध्यक्ष, पारा कॉलेज नर्सिंग होम के, तो और साथ में आज जो हमने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया, मैं सभी लोगों को इसकी बधाइयां देता हूं। इसका आज की जो थीम थी हमारी ओनली वन अर्थ, इसका मतलब यह है कि हमारी इसके अलावा कोई भी अर्थ नहीं है। जो आज का थीम हमारा रखा है एनवायरमेंट डे का, ओनली वन अर्थ क्या है, इसका मतलब इसके अलावा कोई अर्थ नहीं है, एक ही जगह है। और घर तो आदमी दो बना सकता है लेकिन अर्थ केवल एक ही है, और हम लोगों को भगवान ने यहाँ पर रहने के लिए 50-60 साल के लिए भेजा है। अब जब हम लोग 50-60 साल के बाद जाएंगे तो हमने जो ये अर्थ है इसको ऐसे मतलब हम लोग यहाँ पे किराएदार भी, जो 2022 को हम निभा रहे हैं लेकिन 2023 का एक साल का हम टारगेट लेते हैं, हम लोग हर रोज एनवायरमेंट डे मनाएंगे। क्या मनाएंगे? हमारा कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि अब कुछ अगर 10-20 साल तक हम लोग चलो जितने भी हम, तो वहां पर भगवान जी भी देखते हैं, हाँ भाई नेगी क्या किया तुमने, कितने पेड़ लगाए, कितने काटे, कितने प्लास्टिक किया, कितना क्या किया, वो सिविल स्कोर हमारा अच्छा होना चाहिए, समझ गए। तो वो वहां पर जब आते उसके बाद कहेंगे जा भाई नेगी तेरे को इस बार मुकेश अंबानी बना देते हैं। हाँ मैम आपने क्या किया, मैंने तो मैम सर कुछ नहीं किया, जाओ पीछे
तो आज हमारे साथ है बहुत फेमस सिंगर, पहाड़ी सिंगर, लोक गायक जिनका आपने बैड बाना गाना सुना होगा, जो बहुत फेमस गाना है, सबने सुना होता है। तो अभी हमने उनसे कहा कि आप गाना गा देना, तो वो कहते ठीक है। तो वो अभी हम लोग को गाना सुनाएंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमें एक एक केला मिला और हमें मिला एक डब्बा जिसके अंदर समोसा है, फ्रूटी है, और लड्डू है। मतलब दिल खुश हो गया मेरा। मैं आपको दिखाती हूँ देखो कितने अच्छे से जाए, लड्डू है, समोसा है, सॉस भी है और फ्रूटी है और साथ में शिशु भी है। कितने अच्छे लोग। और हम बोलेंगे गाने के लिए सर से कि हमें गाना सुना दो। चलो मेरी गाड़ी में घूमी अली हिट म्यार दगाड़ा, बैठ बना मेरी गाड़ी में घूमी अली हिट म्यार दगाड़ा, ऊंचा नीचा डाना जगली ठंडो मिठो पानी नर पहाड़ा, ऊंचा नीचा डाना जगली ठंडो मिठो पानी नर पहाड़ा। ओ हलगणी पे गाड़ी चली भवानी रो कुल, अरे हलगणी पे गाड़ी चली भवानी रो कुल, अरे सब जनी बैठी धेरा चाहा पानी पुल, अरे सब जनी बैठी धेरा चाहा पानी पुल, अरे बैठ बना मेरी गाड़ी में।